हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप विडो फिश में, मतलब जो कलर विडोज हैं, उनमें आप फर्क कैसे कर पाएंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। और मैं बड़े ही जल्दी इनके अंदर से बच्चे भी, लाइक मैं ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेल फीमेल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो होगा ही नहीं, कोई अंडे नहीं निकलेंगे, बच्चे भी नहीं होंगे। तो उसके लिए मैं आपको एकदम आसान भाषा में, एकदम स्मूथली मैं बताऊँगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, आपको बड़े ही आराम से पता चल जाएगा। तो सबसे पहला चीज आपको जो गौर करने से पता चल जाता है, और वो है कि फीमेल के जो पेट है, देखिए मैं आपको एकदम इजीली बताता हूँ। जैसे सोचिए ये वाला ब्लू वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसका पेट में अगर आप गौर करेंगे, नोटिस करेंगे, तो ये फुला हुआ है, ठीक है। तो ये अंडे लेके चल रही है, इसलिए इसका पेट फुला हुआ है, और ये फीमेल है, अंडे है पेट में इसलिए इतना ज्यादा फुला हुआ है। तो और भी बहुत सारी मछलियां हैं जिनका पेट फुला हुआ है, जैसे कि ये वाला रेड, देखिए ये वाला रेड जो वीडो है, इसका भी पेट फुला हुआ है, तो ये भी फीमेल है, ठीक है। और आप बड़े आराम से पता कर पाएंगे, अगर पेट फुला हुआ नहीं है तो भी आप पता कर पाएंगे। जैसे फीमेल के जो सर के ऊपर, देखिए एक उठा हुआ पहाड़ जैसे आपको दिखेगा, मतलब स्मूथ नॉर्मल नहीं है। जैसे ये ब्लू कलर का जो वीडो है आप देख पाएंगे, मतलब कि इनका सिर के ऊपर ऐसा आपको दिखेगा, और जो मेल होंगे वो ऐसा दिखेगा, मतलब सिर के ऊपर ऐसा आपको स्लोप देखने को मिलेगा, और फीमेल के अंदर थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होगा। जैसे ब्लू वीडो का ये जो सर है आप देख पाएंगे, ये थोड़ा सा पहाड़ जैसा उठा हुआ है, कहाँ गया ये देखिए, ठीक है। तो ये फीमेल है, मतलब थोड़ा सा एक गड्ढा होगा, फिर वो पहाड़ जैसा उठा हुआ होगा। और मेल कौन सा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मेल का साइज हमेशा छोटा रहेगा फीमेल से, मतलब जो गेस कीजिए, ये लेमन कलर का जो है, ठीक है, ये जो लेमन कलर का आप देख रहे हैं विडो, इसका साइज भी छोटा है, उसके अंदर देखिए कोई पेट फुला हुआ नहीं है, सर भी आपको एकदम स्मूथ देखने को मिलेगा, तो ये मेल है, ठीक है। तो ये जैसे ग्रीन कलर या लेमन कलर जो भी आप बोल लीजिए, तो ये मेल है। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये रेड कलर का भी है मेरे पास मेल विडो, ये वाला देखिए, ये वाला जो आपको कहाँ गया, ये वाला जो वीडियो आपको दिख रहा है, ये है मेल, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है और एकदम स्लिम ट्रिम आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी मेल है। ये फीमेल है, इसका देखिए पेट फुला हुआ है, तो जिसका पेट फुला हुआ होगा वो फीमेल है, और जिसका एकदम साइज छोटा और स्लिम ट्रिम दिखेगा तो वो मेल है। और मेल का कलर थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट होता है, कलरफुल होता है फीमेल के तुलना में। फीमेल में आपको थोड़ा सा फेड कलर देखने को मिलता है, तो कलर से उतना शायद पता नहीं कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, और एक चीज़ ऐसा है, जैसे कि सोचिए आपके पास जितने भी विडो हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो आपको पता कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि फीमेल के अंदर उस टाइम पेट में एग नहीं रहेंगे, तो आप बता नहीं पाएंगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है आसानी से। तो इसके लिए इनका जो मैच्योरिटी टाइम है वो है 5 से 8 महीने का, यानी कि अंडे से निकलने के बाद 5 से 6 महीना या फिर 8 महीने के अंदर ये मैच्योर हो जाते हैं, ऐसा नॉर्मल साइज हो जाएंगे, ठीक है। तब इनके अंदर जब पेट फुला हुआ होगा जो फीमेल होगा, तो आप बता पाएंगे ये वाला फीमेल है, ये वाला मेल है, ये फीमेल है, देखिए रेड वाला देख रहे हैं जिसका पेट एकदम फुला हुआ है, तो वो फीमेल है, ये ब्लू वाला फीमेल है, ये देखिए ये मेल है, एकदम स्लिम ट्रिम देखिए, एकदम आसानी से आप देख पाएंगे वो है मेल, वो दोनों ही मेल है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हम ब्रीडिंग करना चाहते हैं घर के अंदर, एकदम इजी तरीका तो नहीं है, ठीक है, मेल फीमेल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन विडो फिश का ना ब्रीडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है दूसरे मछलियों के तुलना में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैंतरे हैं। मैंने एक बार ट्राई किया था, मेरे घर में अंडे भी दे दिए थे, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि जितने भी अंडे थे सब मर चुके, मतलब फंगस लग चुका था, लाइक एकदम धुंधला सा पानी हो गया था, एकदम सड़ गया था पानी, तो उसके वजह से कोई भी अंडा ऐसे फर्टिलाइज नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया था, तो सब मर गए। देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का जो केमिकल है, आप कोई भी एक्वेरियम शॉप में जाएंगे तो आपको वो बता देंगे, तो इसका मिथाइलाइन ब्लू ना क्या एक नाम है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये अगर आप उनके पास लेंगे और पानी में ऐसे एक बाल्टी में, या आधा बाल्टी पानी है, तो ऐसा आधा बाल्टी पानी में अगर आप 4 बूंद या 5 बूंद डाल के एक सम मिक्स कर लेंगे तो अच्छा होगा, लाइक बैक्टीरिया जितने भी होंगे ना, ये केमिकल बढ़िया है, लाइक बैक्टीरिया को मार देता है, कोई फंगस लगने नहीं देता है अंडे में। ये देखिए ऐसा ब्लू कलर का होगा, लग रहा है कि पानी के अंदर मैं उजाला डाल दिया कपड़ा धोने की, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसको आप फिर से पानी दे के मिक्स कर लीजिए ऐसे, तो मिक्स करने के बाद आप उनको विडोज को डाल के यहाँ पर ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कर दिया है, लाइक यहाँ से मैंने 2 फीमेल लिया और 4 मेल को मैं अलग कर दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे कि ये जो बकेट है, जो बाल्टी है, मैंने पहले आपको दिखाया था, तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, जस्ट एक पौधा दिया जिससे कि थोड़ा सा इनको कंफर्टेबल फील हो, नेचुरल लाइक हाइडिंग प्लेस मिल सके। तो अगर आपके पास प्लांट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ ज़्यादा मैटर क्या करेगा कि आपका पानी में क्लोरीन कम से कम हो या फिर ना हो, सबसे बेस्ट है, नहीं तो अंडे सड़ जाएंगे या मे बी मछली अंडा ना भी दे, पता नहीं क्या हो सकता है। और जो ब्लू वाला जो केमिकल मैंने आपको दिखाया था, वो वाला आप एक ऐसे हाफ बकेट में 4 बूंद या 5 बूंद दे के इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए सेटल होने के लिए रख दीजिए, जिससे क्लोरीन भी कम हो जाएगा पानी से। तो उसके बाद आप इसके अंदर मछलियों को डाल सकते हैं प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए। मेरे ख्याल से ऐसे ही अच्छे से ब्रीडिंग हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। ये जो ब्लू कलर का आप वीडियो देख रहे हैं ये फीमेल है, और यहाँ पर एक जो आपको रेड कलर का पेड़ के नीचे दिख रहा हुआ ये भी एक फीमेल है, मतलब दोनों फीमेल है और 4 मेल है आपको, ये छोटे छोटे जो होंगे साइज में ये मेल है। और दोस्तों प्लान में थोड़ा सा चेंज आया है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैंने किया है। जैसे मैंने आपको बताया मैंने बकेट में अलग करके कुछ वीडियोज़ को रखे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी ऐसे वीडियोज़ हैं जो एक दे सकते हैं, मतलब उनके पेट में एक है अभी भी आप देख सकते हैं। तो अभी क्या किया मैंने, और भी कुछ मछलियों को मैंने अलग करके रख दिया है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 2 बड़े बड़े वीडियो हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों फीमेल है और बाकी एक लेमन और एक रेड, ये दोनों हैं मेल। तो यहाँ पर कम मैंने रखा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर अभी मछली कम हो जा रहे हैं, और यहाँ पर एक मैंने किया है, यहाँ पर मैंने एक किया है, तो यहाँ पर बहुत सारे मछलियाँ हैं। देखते हैं यहाँ पर स्कोर क्या रहता है, मतलब कौन सा बकेट में अंडे जल्दी आते हैं या फिर क्या होता है पता नहीं। तो यहाँ पर अभी दोस्तों एक चीज़ आप सभी लोग कर सकते हैं ताकि आप हमें खो ना दें और आपको एंड रिजल्ट भी पता चल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जब भी मैं इनके ऊपर अपडेट लाऊं तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और बहुत जल्दी मैं इनका अपडेट वीडियो लेके आऊँगा यूट्यूब पे, देखते हैं क्या होता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।